इसको हमने नहीं बोला बर्तन मांजने के लिए, ये खुद मांज रहा है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होने, एकदम स्वस्थ होने। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और बार मेरे इस YouTube चैनल पर। लगभग 3 महीने बाद जो है आज खुली आसमान दिखी है पूरी बगैर बादल की। जी पहाड़ों में मौसम 2-4 दिनों से काफ़ी साफ है, मस्त है, एकदम बढ़िया सा। और काफ़ी गर्मी भी हो चुकी है आजकल ये बारिश के बाद जो है। तो वो नहर की दाल सुखाई है, ये सूख ही नहीं रहा, कब से सुखा ही रहे। इससे जो मटर है ना, मटर दोस्तों, मटर उठा के खाने में बहुत मजा आता है। ये आज ना स्कूल नहीं गया हुआ है, मजे आ रहे स्कूल नहीं जाके बर्तन धोने को, हैं? मजे आ रहे होने बर्तन धोने को इसको। बहुत बुरा लग रहा है। कैसे बुरा लग रहा है? फिर वो किसने बोला बर्तन धो? अच्छा, इसको हमने नहीं बोला बर्तन मांजने के लिए, ये खुद मांज रहा है। ये पाइप को खींच रहा है, उधर से पानी डाइवर्ट किया है हमने। यहाँ पे फिटर है, यहाँ लगाई है लॉक इसकी। तो भाई अभी मैं किचन आए थे, तो गाइस मैंने खींचा। तो अभी बज रहे हैं 3:00 और मैं जा रहा हूँ जी ग्राम पंचायत अपने। वहाँ से जो है ना अर्नब का फॉर्म 5 लेना है। मैंने पंकज भाई को फोन किया हुआ था, वो बता रहे थे कि सेक्रेटरी है अभी, तो आप जाओ और ले लो। तो अभी सीधे पंचायत चलता हूँ। ये है जी जातीदा का पानी, यहाँ पे जातीदा बोलते हैं। और उसी के साथ देखिए यहाँ पे 100 मीटर के दायरे में ही पंचायत घर है, यहीं पे जाना है मुझे। तो दोस्तों जब मैं पंचायत में पहुंचा तो वहां पे सेक्रेटरी जी से मेरी थोड़ी बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि जो फॉर्म 5 है ना वो यहां पे अवेलेबल नहीं है, तो मुझे रचौली पंचायत जाना पड़ेगा और वहीं से अर्नब का जो है ना फॉर्म 5 लेके आना पड़ेगा। उसके लिए मैं 2 या 3 दिन बाद रामपुर के रचौली में जाऊंगा। तो ये अर्नब की जो है ना फॉर्म 5 लेने मुझे रामपुर रचौली में जाना पड़ेगा। तो आई होप कि ये वाली व्लॉग आपको पसंद आई होनी। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबाकर तो वीडियो की ऑल नोटिफिकेशन जारी करें। मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।